अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम ज़फ़रवाल पंजाब के पेज से आज लाइव हैं। हमारे साथ ज़फ़रवाल के चेहरा मोरा और ज़फ़रवाल के टैलेंटेड जो हैं वो हमारे पास जाहिद फ़तेह अली ख़ान साहब मौजूद हैं। तो आज इनसे थोड़ा सा हम कोई एक दो कलाम सुनेंगे। और ये हमारे साथ अतीक साहब हैं और इसके अलावा अब्दुल मनान साहब हैं। तो हम लोग आज आए थे जाहिद फ़तेह अली ख़ान साहब से इंटरव्यू करने के लिए, तो इनसे एक दो कलाम सुनेंगे। जाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। माशाल्लाह। आप बहुत वायरल हो गए हैं यूट्यूब पे आपकी वीडियो, और लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। इंडिया से हमारे जो फॉलोअर हैं वो भी आपको पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें माशाल्लाह, ये सारा इतना फेम अल्लाह ने दिया आपको, तो अल्लाह पाक इसको सलामत रखे और बल्कि इसमें और ज़्यादा आपको तरक्की दे। ज़फ़रवाल के लिए फ़ख्र की बात है दोस्तों। ये काफ़ी अरसे से मैं इनको सुन रहा हूँ। इनका जो आवाज़ है, आवाज़ का जादू है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक टैलेंट था जो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला है। तो इसको आप लोग शेयर करेंगे तो मज़ीद जो हैं लोग इसको सुनेंगे। तो ज़ाहिद साहब से बिला तख़ीर हम एक दो कलाम सुनेंगे। तो ज़ाहिद साहब, कौन सा कलाम आप अपनी पसंद का, कोई कलाम जो है? जी, कलाम तो खान साहब के सभी पसंद ही हैं मुझे। तो उनकी एक बड़ी मशहूर, बड़ा मुझे पसंद है गाया हुआ उर्दू गाना है, जी, दुख रोग को चाहत के सुख रोग बनाना है, वो मैं पेश कर लूँगा। दुख रोग को, दुख रोग को चाहत के सुख रोग बनाना है, दुख रोग को चाहत के सुख रोग बनाना है। दहका हुआ अंगारा छाती से लगाना है, दुख रोग को चाहत के सुख रोग बनाना है। वाह 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 जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कलाम इन्होंने पढ़ा है। तो अभी एक पंजाबी का कलाम हम सुनना चाहेंगे इनसे। इनका फेमस भी हुआ है वो कलाम यूट्यूब के ऊपर, सुन चरखे दी मिठी मिठी हो। जी जाय साहब। जी ठीक है। चरखे दी मिठी मिठी कू, सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आमदा, मेरे दिल विचों उठदी है हू, माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मन याद आमदा, मेरा दिल विचों उठदी है हूक, मेरा दिल विचों उठदी है हूक, माया मनु याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कू। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त कलाम और ज़बरदस्त आवाज़। तो अभी मैं अतीक भाई से कहूँगा कि ये कंटिन्यू करें इसको। अतीक भाई, मैं कंटिन्यू क्या, खुद क्या बोलूँ, जब ये बोल रहे हो तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी बस एक रिक्वेस्ट होगी जाद भाई से कि मैं इनको जब के आया मैं तब का इनको ये कह रहा हूँ कि अखियाँ उड़ीक दी हैं, जितनी दफ़ा सुनाना चाहें और हम उतनी दफ़ा सुनने को तैयार हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर इनसे वो कलाम सुनना पसंद करूँगा, अखियाँ उड़ीक दियाँ। जाद भाई, जी ठीक है जनाब। आ
ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਮਹਿਰਮਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਮਹਿਰਮਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਮਹਿਰਮਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਜੂਣਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਜਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਵੇ ਦਿਲ ਦਿਆ ਮਹਿਰਮਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਜੂਣਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਜਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾਵਜਦਾ ਈ ਆ ਜਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਰਦਾ ਦਰ ਦਰੇ ਪਾਪਾ ਸਰਦਾ ਦਰ ਦਰੇ ਗਾਗਾ ਸਰਦਾ ਦਰ ਦਰੇ ਨੀਨੀ ਸਰਦਾ ਦਰ ਦਰੇ ਸਾ ਸਾ ਨੀ 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 ਸਾ 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 ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਗਾ ਬਗਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਸਰਦਾ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ خوبصورت کیا زبردست آواز ہے اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ذات علی خان صاحب ہمارے ظفروال کا ایک ابھرتے ہوئے ستارے خوبصورت آواز نصرت فتح علی خان کی آواز ہمارے دلوں میں دوبارہ ایک رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ ان کی آواز سنتے ہیں سب دوستوں کا بہت شکریہ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ